इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमन यादव और आज पार्ट 43 में हम आपको 3D ऑब्जेक्ट बनाने सिखाएंगे विद डिटेल। तो बहुत ही सिंपल 3D ऑब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ पे जैसे कि आप थंबनेल में आप देख पा रहे हैं इस 3D ऑब्जेक्ट को, जिसका मैंने आइसोमेट्रिक व्यू शो किया हुआ है। यहाँ मैंने उसके यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड प्लस राइट व्यू, सॉरी राइट व्यू, तीनों व्यू शो किए हुए हैं प्लस आइसोमेट्रिक व्यू रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ताकि आप उसकी डायमेंशनिंग ईजिली रीड करके इसको बढ़िया से समझ सकें। तो इंजीनियर्स ऑटोकैड की स्क्रीन पे आने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ फैलाएं। तो आते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में भी कि हम ग्रिड मोड को ऑन है, इसको ऑफ करेंगे। ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये आइकन है आपका, आइकन को हम फिक्स करेंगे UCSICON एंटर और ऑप्शन में N एंटर प्रेस कर देंगे, टाइप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी फिक्स हो गया। अब ये कब तक फिक्स रहे, तो सिस्टम शटडाउन नहीं हो गया। मैंने आप सबको ये प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है, ठीक है। कि और अब हम क्या करते हैं, अब अपने ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। ऑब्जेक्ट में हमें किस तरह से अपनी जेट के डायरेक्शन को सेट करना है, ठीक है। पहले तो आपके जेट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ हम सेट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम उसे अगर चेंज करना हो तो किससे चेंज करेंगे, UCS कमांड की हेल्प से उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसमें इस 3D ऑब्जेक्ट में इजी पड़ेगा आपका ये व्यू ड्रॉ करना, आपको ये प्रोफाइल ड्रॉ करनी जो राइट व्यू में आप देख रहे हैं और यहाँ तक केवल यहाँ तक नीचे तक ये टॉप का नहीं ड्रॉ करना आपको, ये नीचे तक ड्रॉ करना है और इसको एक्सट्रूड करवा देंगे 40 इंच तक, ठीक है। और इसके लिए हमें जेट की डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी इसके डायरेक्शन में, ठीक है इधर। तो उसके लिए हम UCS कमांड का यूज़ करते हैं। मैंने UCS कमांड आपको बताया थी, UCS के लिए हम पहले क्या करते हैं, बॉक्स लेते हैं या तो फिर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब आज हम रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं, बट पहले 2D से हमें 3D में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइप 3DO एंटर। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 2D से 3D में आने के लिए टाइप 3DO एंटर। थ्री डायमेंशनल ऑर्बिट हो गया आपका। अब देखिए जेट की डायरेक्शन हमने ऊपर सेट कर दी, ठीक है। अब एंटर कर देंगे। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, REC एंटर रेक्टेंगल, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट और हाइट देंगे। और देखिए हमने बॉक्स तो दिया नहीं, उसको हाइट दे नहीं सकते। इसको हाइट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड करवाना पड़ेगा। और हमें इसी रीज़न तो करवाना है क्योंकि हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। रेक्टेंगल की सारी सेगमेंट्स क्या होती हैं, एनक्लोज होती हैं, ठीक है। EXT एक्सट्रूड एंटर। देखिए वो एक्सट्रूड कमांड प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है। ये मेरे सिस्टम का जो प्रोसेसर है काफ़ी स्लो है, तो यहाँ पे ये एक्सट्रूड कमांड की प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक्सट्रूड कमांड की शॉर्ट की हमारी ये EXT, या फिर हम उसके आइकन पे भी क्लिक करके एक्सट्रूड कमांड एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रूड कमांड आपका एक्टिव हो गया। उसने कहा सेलेक्ट एक्सट्रूड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एक्सट्रू और मोड। यहाँ पर देखिए मोड के लिए पूछता है, तो इसके दो मोड होते हैं, एक तो अगर सॉलिड एक्सट्रूड करना है या सरफेस एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉलिड एक्सट्रूड करना है, तो हमें मोड की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि सॉलिड क्या होता है बाय डिफॉल्ट रहता है आपका, ठीक है। एंटर करते हैं। और अगर आपको सर्फेस एक्सट्रूड करना है तब आपको मोड में जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे सर्कल में रेडियस क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट होता है, डायमेट्रिकली डी एंटर करना पड़ता है। उसी तरह एक्सट्रूजन में आपका सॉलिड जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है। बस उसको हमने इस हाइट एज्यूम करके कहीं भी क्लिक कर देंगे ड्राइंग एरिया पे अपनी, ठीक है। अब UCS यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना आपको, और ऑरिजिन पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। देखिए मुझे जेट किधर रखना है, देखता हूँ अपने डायग्राम में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में रखना है तो मैं एक्स इधर रखता हूँ और वाई ऊपर की तरफ, ठीक है। सेट हो गया, इसको हटा देते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपका, ये क्या करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैंने उसको हटा दिया। अब मैं अपने डायग्राम की तरफ देखता हूँ, मुझे ये प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, तो इसकी मैंने डायमेंशन यहाँ पे सब शो करवाई हुई है, ठीक है। पहले हमें 30 की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर ऊपर कितना जाएंगे, 10 जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने शो करवाया है 10 डिस्टेंस, ठीक है, 10, ऊपर भी 10 है आपका, तो 10 जाएंगे। इधर कितना चलेंगे, 30, ऊपर कितना जाएंगे, 10। और यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो, तो जैसे कि मान लो इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक 90 दी हुई है और ये 30 दी हुई है, तो ये दोनों डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 90 - 30 = 60/2 = 30। तो ये दोनों डिस्टेंस आपकी 30 आ गई और मैंने यहाँ पे शो भी कराई हुई है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा क्लियरली। हम सबसे पहले एल एंटर करते हैं, कमांड एरिया पर क्लिक करेंगे। याद रखना कमांड एरिया पर क्लिक करना, आपको एल एंटर करना है और
देखिए मुझे कितना डिस्टेंस चलना है, 30 एंटर। फिर ऊपर क्या माउस डिस्टेंस अगर डायरेक्शन देनी हो तो माउस को ऊपर की तरफ छोड़ना, मतलब ऊपर की तरफ आपको बस इशारा करना है, ठीक है। अब कितनी ऊपर चलना है, 10। फिर कितना इधर जाना है आपको, 30 एंटर। फिर ऊपर कितना चलना है आपको, 10 एंटर। सिमिलरली एस्केप कर देंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, फिर इस पॉइंट से हम जुड़ जाएंगे, और इधर भी वही सेम डिस्टेंस, 10 एंटर। इधर कितना आपका, 30 एंटर। फिर ऊपर कितना आपका, 10 एंटर, ठीक है। अब मैं अपनी ड्राइंग में देखता हूँ, अब ड्राइंग में देख रहे हैं तो मैं अब इसके इस पॉइंट से ऊपर तक कितनी डिस्टेंस चलूँगा। अब देखिए मैंने शो नहीं करवाई, बट ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 70 है। मतलब मीन्स बॉटम से लेके इस टॉप तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 70 है। तो मैं 70 लाइन चलता हूँ, ठीक है। और ये देखिए कितनी हो जाएगी, ये कि देखिए ये 30 है पूरी टोटल, तो ठीक है ना। और ये बची हुई कितनी, ये 5 की है, मैंने शो नहीं करवाई, 5 5 मीन्स की 40 डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, ये इसके सेंटर से ऊपर जाएंगे कितना, 70, ठीक है। फिर इधर चलेंगे हम कितने, 20। फिर पॉइंट पे आएंगे, फिर इधर चलेंगे 20, तो ये 40 की लाइन ड्रा हो गई। तो चलिए करते हैं इसको हम, 40 की लाइन ड्रा हो जाएगी। अब हम पहले इसके सेंटर मिड पॉइंट से हम ऊपर चलेंगे कितना, 70 एंटर करते हैं, ठीक। फिर इधर कितना चलेंगे हम, 20 एंटर करेंगे, और एस्केप कर देंगे, कमांड से बाहर निकल आएंगे। फिर दोबारा अगेन 20 चलते हैं और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। सिमिलरली इस पॉइंट पे हम जुड़ जाते हैं क्लिक करके, और इस लाइन को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। इसको हम हटा देंगे क्योंकि सिंगल लाइन है, ठीक है। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी टोटल लाइन सेलेक्ट होगी, ट्रिम नहीं करेंगे, सिंगल लाइन थी इसलिए हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया बाय ग्रीन विंडो और उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी कर दिया होगा मैंने आपको समझ में। देखिए ग्रीन विंडो सेलेक्ट करेंगे, और या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्रीन विंडो सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन में डिलीट कर सकते हैं, या तो हम ई एंटर कर देंगे, ये उसकी शॉर्ट की होती है इरेज करने की, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इरेज करने की, जो हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रूड करना है, बट एक्सट्रूड कंडीशन मैंने आपको बताया थी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रीजन करना पड़ेगा। रीजन की शॉर्ट की मैंने आपको बताया थी, REG एंटर रीजन, सॉरी इसने कोई और कमांड ले ली, REG एंटर रीजन, और ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अब इस विंडो पे पूरा एक ही मेरा प्रोफाइल ड्रा हुई है, तो इसके लिए मैं ग्रीन विंडो का यूज़ करूँगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। बट ये देखिए अगर मैंने एक साथ सेलेक्ट, हाँ, वन लूप एक्सट्रैक्टेड एंड वन रीजन क्रिएटेड। अब मैं इसे सॉलिड कर सकता हूँ, और सॉलिड करने के लिए हमें क्या पास है, हमारे पास कमांड एक्सट्रूड, ठीक है। सॉरी इसने EX कमांड ली है, थोड़ी देर वेट कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रूड करना है, ठीक है। कितनी डायरेक्शन तक डिस्टेंस आपकी दी हुई थी, मैंने बताया थी आपको पहले ही, 40 डिस्टेंस तक, ठीक है ना। तो इसे 40 डिस्टेंस तक हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप ये हमारी पॉप विंडो पॉपअप ऑन हो गया कोई। अब हमें इसे क्या करवाना है, एक्सट्रूड करवाना है। एक्सट्रूड के लिए EXT एंटर कर देंगे, एक्सट्रूड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड एंटर कर देंगे। और पहले में हम चाहे नेगेटिव वैल्यू दें या पॉजिटिव वैल्यू दें, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको कितना एक्सट्रूड कराना है, 40 एंटर, ठीक है। अब देखिए मुझे, मैं क्या देख रहा हूँ अपनी ड्राइंग में, कि मुझे ये सर्कल ड्रॉ करना है, और इस सर्कल के मुझे अपनी जेड की डायरेक्शन को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। किधर करना पड़ेगा, ऊपर सेट करना है, तो ठीक है ना। तो ऊपर सेट करेंगे उसको, और ये प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ, कितने का, 15 रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। और उसे क्या कराऊंगा, पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसे हम एक्सट्रूड करवाएंगे, ठीक। कितनी डिस्टेंस तक, हाइट दे रहे, हाइट गिवन नहीं है इसमें, इसको 30 डिस्टेंस तक एक्सट्रूड करवाएंगे, ठीक है। और ये कितना है, यहाँ से 30 डिस्टेंस, ये इसके मिड तक है इसके, ठीक है दोस्तों। ये शो नहीं कराई मैंने, मगर ये इसकी मिड तक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 15। तो इसको हम प्रोफाइल मटेरियल ऐड करवा के फिर मटेरियल सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं अपनी जेड की डायरेक्शन को क्या करूँगा, वाई की तरफ सेट करूँगा। और वाई की तरफ सेट करने के लिए या तो हम बॉक्स लेंगे, या फिर मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल कमांड, REC एंटर करेंगे, रेक्टेंगल पहला स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब देखिए इसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड, जिस डायरेक्शन में जेड की डायरेक्शन, उसमें प्रोफाइल ड्रा होगी इसकी, ठीक है, रेक्टेंगल ड्रा होगा। अब मैं इसे EXT एक्सट्रूड करवा दूंगा, एंटर। अब मैं UCS की हेल्प से, आई एंटर हो गया, UCS एंटर करेंगे। ऑरिजिन पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे एक्स की डायरेक्शन, मुझे जेड इधर रखना है, तो मैं एक्स जेड जेड ऊपर की तरफ सेट करना है, तो एक्स इधर रखेंगे, वाई इधर रखेंगे, तो जेड ऊपर की तरफ सेट हो गया आपका। अब इसे हटा देंगे, ठीक। अब हम सर्कल, सॉरी सर्कल के लिए हमें सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट अभी इजीली आपका ट्रैक नहीं होगा, इसलिए कैसे ट्रैक होगा, आपका एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। अब सर्कल के लिए मैं सी एंटर करूँगा, कितने का है सर्कल आपका, 15 रेडियस का गिवन है आपका रेडियस,
ठीक है। अब इसे क्या करूँगा, मैं इसे एक्सट्रूड करा दूँगा। एक्सट्रूड करवाने से पहले जो मेरी ये सिंगल लाइन है इनको मैं हटा दूँगा, ठीक है। अब मैं इसे ई एक्स टी एक्सट्रूड करवाता हूँ, कितनी डिस्टेंस तक, 30 डिस्टेंस तक एक्सट्रूड करूँगा। देखिए जेड डिडक्शन ऊपर है तो मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा, ठीक है। 30 डिस्टेंस एक्सट्रूड करवाएंगे। अब इसको हम कितना क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये कट प्रोफाइल ड्रॉ करनी, तो ये कट प्रोफाइल ड्रॉ करने से पहले मैं क्या करूँगा, मटेरियल ऐड कराऊँगा, फिर मटेरियल रिमूव कराऊँगा सबट्रैक्ट कमांड की हेल्प से। तो हम ये कट प्रोफाइल, इसके लिए भी आप जेड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मीन्स आपको नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना, तो वैल्यू आप किस में दे देंगे, नेगेटिव में दे देंगे, ठीक है। बस आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम करते हैं, पहले लाइन कमांड लेंगे और इस पॉइंट से मैं इधर मूव करूँगा कितनी, ये देखिए आपको मैंने ये प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। ये प्रोफाइल पहले हम ड्रॉ करते हैं, इधर हम कितना चलेंगे, 8, इधर कितना चलेंगे हम, 8, सॉरी टोटल हो जाएगी आपकी 16, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इधर कितना चलते हैं, 8, एंटर, ठीक। फिर इस पॉइंट से मैं दोबारा जुड़ जाऊँगा, ठीक, दोबारा जुड़ गया। इधर भी चलते हैं कितना हम, 8, ठीक है। फिर आगे की तरफ चलेंगे, सिमिलरली इधर भी आगे की तरफ चलेंगे, ठीक। फिर इस पॉइंट से जुड़ेंगे, इधर चलेंगे, और या तो आप उसको ऑफसेट करवा सकते थे एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको हटा दूंगा मैं, सॉरी हटाने से पहले, क्योंकि ये ट्रिम नहीं होगी, क्योंकि ट्रिम क्या होती है, ट्रिम की कंडीशन होती है जो लाइन इंटरसेक्ट होती है उसी को ट्रिम करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का, 15 रेडियस का, टी आर डबल ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, ठीक। और ये अंदर की लाइन में यहाँ पे ये सर्कल है, इनको भी हम ट्रिम कर देंगे। अब देखिए सिंगल लाइन है, इनको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें इसे एक्सट्रू मटेरियल ऐड करवाना, कितने थिकनेस तक, 15 तक, ठीक है। बट नीचे की तरफ, मीन्स माइन नेगेटिव में डायरेक्शन में, -15, और उसके बाद से मटेरियल रिमूव करवाना है किसकी हेल्प से, सबट्रैक्ट कमांड की हेल्प से। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये लाइन अलग है और ये अलग है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर ई जी रीजन, और रीजन की शॉर्ट की होती है आर ई जी रीजन, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है रीजन। देखिए जब मैंने आपको पहले ही बता रखा था, हमेशा देखिए जब भी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप पिक रीजन 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 कमांड लिया आपने, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम ग्रीन विंडो का यूज करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे, पिक मैथड का यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था दोस्तों, पिक मैथड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि वो सेलेक्ट, क्योंकि हम ग्रीन विंडो का यूज़ करेंगे तो अदर भी सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन विंडो के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो हम इसको हटाते हैं, या तो आप शिफ्ट प्रेस करके भी आप उसे हटा सकते थे, ठीक है। अब आर ई जी रीजन करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट 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 एंड दिस वन, ठीक है, एंटर हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पे वन रीजन क्रिएट, टू रीजन क्रिएटेड एंड टू लूप एक्सट्रैक्टेड। अब हमें इसे एक्सट्रूड करवाना है, ठीक है। एक्सट्रूड की थिकनेस क्या है आपकी, नीचे रखनी है कितनी, -15, तो -15 एंटर कर देंगे, ठीक। अब मेरा मटेरियल ऐड हो गया उसमें उतनी थिकनेस तक। अब मैं इसका पहले शेड व्यू देखता हूँ, SHA एंटर, और कॉन्सेप्चुअल के लिए C एंटर, ठीक है। अब मैं क्या कराऊंगा, इसमें से मटेरियल रिमूव कराऊंगा। तो मैंने बताया था आपको, हम जो भी वर्क करेंगे किसमें करेंगे, 2D वायर फ्रेम में करेंगे, बट यहाँ पर भी आप मटेरियल रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन बट यहाँ पर कभी कभी होता नहीं है आपका, ठीक है। तो हमें इसे रिमूव करना, तो SU एंटर करेंगे, सब्ट्रैक्ट। पहले मैं आउटर को सेलेक्ट करूँगा, एंटर, फिर इनर को वन बाय वन, जिन जिनको रिमूव करना है मुझे, और एंटर कर दूंगा। ये आपका रिमूव हो गया। अब मैं इसका SHA एंटर एंड कॉन्सेप्चुअल के लिए C एंटर, शेड व्यू देखता हूँ और इसे रोटेट करवा दे। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाइए। बट दोस्तों अभी भी देखिए इसमें एक चीज़ रह गई, देखिए ये ऑब्जेक्ट ये आपका अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, तो इसी हमें क्या करना पड़ेगा अभी, यूनियन, ION यूनियन एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, मीन्स ये हमारा यूनियन हो चुका, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही इंटरेस्टिंग 3D ऑब्जेक्ट के साथ। और मैं आपके लिए, देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 3D ऑब्जेक्ट की, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि जितनी आप 3D ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं बनाते वक्त। और इसका मतलब है ऑटोकैड का मतलब, कितनी जल्दी और कितनी कम कमांड के साथ आप
इजिली आप उस ड्राइंग को बना सकते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप जितनी मोर देन प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, और मैं आगे आपके जैसे आर्किटेक्चर हुए और सिविल के स्टूडेंट्स हुए उनके लिए मैं प्लान्स की भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे प्लान्स रहेंगे और जिससे आपके बहुत सारे उसके भी डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैडमास्टर्स जुड़े रहिए। धन्यवाद इंजीनियर्स।